पंजाब के मानसा जिले में रविवार को मशहूर पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के एक दिन पहले ही पंजाब की भगवंत मान सरकार ने मूसेवाला समेत कई लोगों की सुरक्षा घटाई थी। मूसेवाला की हत्या के बाद पुलिस ने दावा किया कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही है और भगवंत मान के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें सिद्धू मूसेवाला की एसयूवी दिखाई दे रही है। दावा किया गया कि फुटेज सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ देर पहले की है। फुटेज में सिद्धू मूसेवाला की एसयूवी के पीछे दो गाड़ियां दिख रही है। एक सफेद रंग की बोलेरो भी फुटेज में दिखाई दे रही है। बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी का पीछा किया जा रहा था और मौका मिलते ही मूसेवाला की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। सिद्धू मूसेवाला केस को लेकर पुलिस ने दावा किया है कि सिंगर अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी को लेकर नहीं निकले थे और उनकी हत्या हो गई। इनके पास सिक्योरिटी के, पंजाब पुलिस के चार कमांडो थे और अभी घल्लू घारा की वजह से सारे हर साल पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं, जिससे घल्लू घारा के अरेंजमेंट फुल प्रूफ हों। उसमें इनके दो कमांडो विड्रॉ किए गए थे। दो कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। पुलिस के मुताबिक रविवार की शाम 5:30 बजे सिद्धू मूसेवाला पर हमला हुआ था। सिद्धू मूसेवाला अपने पड़ोसी गुरविंद सिंह और रिश्तेदार गुरप्रीत सिंह के साथ 4:30 बजे अपने घर से निकले थे। मूसेवाला गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे। जब मूसेवाला मानसा जिले के जवाहर के गांव पहुंचे तो दो गाड़ियों ने उनकी एसयूवी रोक ली। इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।